इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायंगल पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करते हैं और उनकी क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है उनके आसपास, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन कौन से ट्रायंगल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं चार्ट में। ये कंप्लीट वीडियो केवल ट्रायंगल्स पर होने वाली है, तो कीप वॉचिंग। सो वेलकम बैक, माई नेम इज़ गिरिश एंड दिस इज लास्टली स्पोकन ट्राइंगल पैटर्न। मैं यहाँ पर पिक्चर में ड्रॉ करके आपको बता दूँ कौन कौन से ट्राइंगल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज में। बहुत आसान पैटर्न है और बहुत इफेक्टिव है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको चार्ट में दिखेगा। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड लेट्स सी, कुछ इस तरह का पैटर्न। प्राइस कहीं से भी आ रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन से, और यहां पर कुछ अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं हम ट्रायंगल। अब ट्रायंगल और वेज में थोड़ा सा अंतर है, वो ये है कि ट्रायंगल में जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें ट्रेंड लाइन के जो एजेस हैं वो इस डायरेक्शन में, यहां इस एरिया में जो है वो मैच, मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे। कहने का मतलब एक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन वेज में क्या होता है, वेज में आपका ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से होता है, यहां पर एक गैप होता है, इतना सा अंतर है। ऑल्दो दोनों पैटर्न सिमिलर हैं, लेकिन वेज पैटर्न और ट्रायंगल में यही डिफरेंस है, ठीक है। और कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, तीन तरह से। जैसे वेज पैटर्न के तीन टाइप्स बताए थे, वैसे ही कौन कौन से तीन है, फिर से सेम वैसे ही है। पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, प्राइस जो हाईज है और जो लोज है वो लगभग बराबर बनाता है ना। मतलब अब कहने का मतलब है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता है, इसमें कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। प्राइस यहां से आया, उसके बाद एक लो एंड फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाएगा। और उसके बाद ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि एक अपवर्ड अगर ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड है, तो मोस्ट लाइकली अपवर्ड डायरेक्शन में टूटेगा ये ब्रेकआउट। दूसरा असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, प्राइस जो हाईज है वो बराबर बनाता है, लेकिन एवरी सिंगल टाइम यहां पर जो लोज होंगे ना वो हायर लोज बनेंगे, कुछ इस तरह से। ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड या फिर मतलब डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। इसके लिए हम आगे सीखेंगे कैसे ट्रेड करते हैं। यह है असेंडिंग ट्रायंगल, और इसी का ऑपोजिट हमारे पास होगा, दैट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, प्राइस फ्लैट रहेगा, या मतलब जो लोज होंगे वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन, एक ही एरिया में होंगे, और हाइज जो होंगे वो लोअर हाइज बनते चले जाएंगे। मान लेते हैं कुछ इस तरह से, प्राइस कहीं से भी आ रहा हो, मान लेते हैं यहां से प्राइस आया, सेम लो लोअर हाई, अगेन सेम लो लोअर हाई, अगेन सेम लो लोअर हाई। नाउ ब्रेकआउट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं, ये तीन पैटर्न्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। चलिए जानते हैं ट्रेड कैसे करते हैं इन ट्रायंगल्स पर। मैं आपको ये चार्ट में एक ट्रायंगल दिखाऊंगा, ठीक है,
ड्रॉ करके किस तरह से ड्रॉ करते हैं और ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है लाइव चार्ट में। फिलहाल यहाँ पर सीखते हैं अगेन आउट से कि ये जो पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये 100% ऐसी एक्यूरेट आपको देखने को मिलेंगे पिक्चर ड्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक पिक्चर ड्रॉन ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे चार्ट पे, तो आप 90% ट्रेड्स मिस कर देंगे, राइट? सो अब बात करते हैं एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल या फिर किसी भी ट्राइंगल को हम ट्रेड कैसे करें। मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल बना, प्राइस यहां से आ रहा है, उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना हमारे सामने जिसमें लोअर हाईज एंड हायर लोज बन रहे थे बराबर, और अचानक हमें एक ब्रेकआउट मिला। अब ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में मिला है वो बोथ साइड यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं भी हो सकते हैं। अग्रेसिव एंट्री अगर आपको करनी है तो आप यहीं पर एंट्री हो सकते हैं इसके क्लोजर पर, और आपका स्टॉप लॉस स्ट्रेंथ लाइन के आसपास या फिर जो स्विंग होगा उससे नीचे, और इसमें टारगेट आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से जितना ये ट्राइंगल का ये लेंथ है, जो डिस्टेंस यहां पर है इतना ही डिस्टेंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला, दूसरा आप 1:2 या आपका जो भी एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप सेट कर सकते हैं। दूसरा जो सेफ वे है, सेम इसी वे में आप डाउनवर्ड में भी यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये एक अग्रेसिव एंट्री कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें एक पुल बैक का वेट करते हैं। प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गया या फिर नीचे गया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आया और इस एरिया को टेस्ट कर रहा है, और अगर यहां से हमें एक बुलिश प्रेशर दिखा तो ये एक ऐसी एंट्री है जो सेफ मानी जाती है, क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आपका स्टॉप लॉस भी यहां पर एक लिमिटेड है। स्विंग आपको एक दिख रहा है यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:2 या फिर ये डिस्टेंस, एंड सेम गोज टू सेलिंग ट्रेड, एक पुल बैक का वेट करें और उसके बाद अगर एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है यहां पर, सो दैट विल बी अ सेफर एंट्री। स्टॉप लॉस स्विंग से ऊपर और टारगेट आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। अब हम लाइव चार्ट में देखते हैं किस तरह से हमने एक ट्राइंगल यहां पर आइडेंटिफाई किया। Here. USD CHF का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है, और इसके बारे में हमने वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में भी बताया था कि इस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है और हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल अगर मैं एक्यूरेट पिक्चर की तरफ जाऊं इसमें तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल है हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हायर लो और लोअर हाइज बन रहे हैं कहीं ना कहीं, सही। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपकी एंट्री यहीं पर बनती है इधर कहीं, ठीक है। इनफैक्ट इस कैंडल पे ही आपकी एंट्री बननी चाहिए, जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिला था, और स्टॉप आउट आप कहां पर होंगे वो आपको डिसाइड करना होगा। इस ट्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा स्टॉप लॉस पर रिस्क लेना पड़ता है आपको, क्योंकि ये अग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं यहां कहीं स्विंग के आसपास, या फिर आपके बजट के हिसाब से 2% रिस्क के हिसाब से, और टारगेट आप लेके चल सकते हैं 1:2 या फिर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आप एक्सपेक्टेड यहां से मान सकते हैं कि इतना मार्केट पुश करेगा,
ऑलराइट। सो अब दूसरा सेफर वे है कि आप यहां पर वेट करें एक पुल बैक का। अब अगर यहां से पुल बैक आता है तो हमें देखना होगा ये पुल बैक, मतलब अगर मान लेते हैं इस एरिया से पुल बैक आता है वापस, तो हमें ये देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कोई एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिल रही है कुछ इस तरह से, या फिर एक बेरिश इंगोल्फिंग कैंडल हमें दिख रहा है कुछ इस तरह से, जो कि पिछली कैंडल को बिल्कुल इंगोल्फ कर ले, तो वो एक सेलिंग प्रेशर माना जाएगा। ठीक है, तो वो एक सेफर साइड में एक सेफर एंट्री होगी और साथ में वहां पर हमारे पास एक स्टॉप लॉस के लिए स्विंग भी होगा। अगर मान लेते हैं हमारी एंट्री यहां पर होती है तो हमारे पास स्टॉप लॉस के लिए ये स्विंग है और टारगेट के लिए हम ओपन है। सो गाइस, ये दोनों टेक्निक ट्रेडिंग की सही है और दोनों में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन आप किस तरह के ट्रेडर्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती। ये अनसर्टेन बिजनेस है, यहाँ पर आपको जो प्राइस बिहेवियर है, मार्केट का जो डेटा है, उसके आधार पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो ये मोस्ट लाइकली नीचे ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगले दिन एक बाइंग प्रेशर आए और एक ऐसी कैंडल आपको मिल जाए, इतनी बड़ी कैंडल। ये मार्केट है, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपको इस बिजनेस में लॉन्ग लास्टिंग रख पाएगी। सो गाइस, ये रहा ट्रायंगल पैटर्न्स और इनमें कैसे ट्रेड की जा सकती है और ये सारी चीज़ें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चार्ट पैटर्न पर चाहते हैं, सो दैट हम उस पे वीडियो बना सकें और वो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आ सकें। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।